दोस्तों ये है नोवा सेटअप बार का एपिसोड नंबर 14, जिसमें आज आपको मिलने वाला है काफी मस्त होम स्क्रीन सेटअप, जैसा कि आप देख सकते हो। और जो आज का सेटअप है वो बेस्ड है गेमर्स पे। तो अगर आप इस तरीके के गेमिंग वाले सेटअप को अपने किसी भी फोन में करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेटअप के लिए आपको हर बार की तरह कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें आपको दो फाइल्स मिलेंगे, फ्री और पेड। तो फ्री फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिसका पासवर्ड इसी वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और जो पेड फाइल है, तो जो पेड एप्लीकेशन है उन्हें अगर आप परचेस कर सकते हो प्ले स्टोर से तो आप परचेस कर लेना, ताकि डेवलपर की हेल्प हो पाए। और नहीं आप परचेस कर सकते हो या आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM करना, मैं वहाँ पर आपको पेड फाइल वाला लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बता दूँ एक चीज़ कि ये जो सेटअप है ये स्पेशली पेड फाइल पर ही डिपेंड है। तो आपको पेड फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही, आप जहां से भी डाउनलोड करके यूज करो, लेकिन आपको पेड फाइल्स चाहिए ही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वाले सेटअप में मैं आपको कोई विजिट का बैकअप नहीं दे रहा हूं। रीजन ये है कि जो विजिट था उसके जो ऑथर थे उसने उसको लॉक करके रखा हुआ था, जिससे उसका बैकअप क्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैं आपको इसमें बैकअप फाइल नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे उसको सेट करना है, और काफी सिंपल सा प्रोसेस है। तो आप ध्यान से देख लेना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कैसे विजिट को आपको सेट करना है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि आपको दो फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें आपको फ्री फाइल में आपको एक वॉलपेपर मिल जाएगा, नोवा बैकअप मिल जाएगा, KWGT का एक बैकअप मिल जाएगा, चूंकि मेन बैकअप नहीं है, बस ये गेम टाइम वाला जो विजिट था उसका बैकअप है, और नोवा लॉन्चर का एप्लीकेशन मिल जाएगा। और पेड फाइल जो कि इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जिसमें आपको एक फुचूसिया फॉर KWGT का एप्लीकेशन मिल जाएगा, KWGT प्रो मिल जाएगा, और लाइन बिट का यहाँ पे एक आइकन पैक मिल जाएगा। तो अगर आप इन्हें प्ले स्टोर से परचेस कर सकते हो तो आप परचेस करके ही यूज करना, ताकि डेवलपर की हेल्प हो पाए। और नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना, मैं वहाँ पे आपको इसकी फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। सारे एप्लीकेशन आपके पास आ जाए तो उसके बाद से आपको करना क्या है, आप जो भी वॉलपेपर को यूज कर रहे हो उसको आपको चेंज करके गेम टाइम वाला वॉलपेपर को आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने होम स्क्रीन पे फटाफट वॉलपेपर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने होम स्क्रीन पे वॉलपेपर को सेट कर लिया है। वॉलपेपर सेट करने के बाद से आपको क्या करना है, आपको KWGT प्रो वाला एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया होगा उसको यहाँ पे एक बार ओपन कर लेना है। इसका काम अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करवा रहा हूँ। ओपन करने के बाद से यहाँ पे अब आपको नोवा लॉन्चर को ओपन करना है। तो नोवा लॉन्चर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से कुछ फर्स्ट टाइम इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा नोवा लॉन्चर का। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो हर बार की तरह, जैसे मेरे पिछले सेटअप वाले वीडियोस में भी होता है, नोवा लॉन्चर हट जाता है, वैसे यहाँ पे हट जाएगा। आपको फिर इस पर टैप करना है और यहाँ पे होम स्क्रीन पर टैप करना है, सेटिंग पर टैप करना है, और यहाँ पे आपको नॉट सेट इज डिफॉल्ट होगा, इस पर टैप करके अपने डिफॉल्ट लॉन्चर को यहाँ पे नोवा लॉन्चर को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो डिफॉल्ट लॉन्चर था वो यहाँ पे नोवा लॉन्चर सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम स्क्रीन पर टैप करना है, सेटिंग पर टैप करना है, और यहाँ पे आ जाना है आपको सीधे बैकअप एंड इंपोर्ट सेटिंग। इस पर आपको टैप करके यहाँ पे रिस्टोर और मैनेज बैकअप का ऑप्शन होगा, इस पर टैप करना है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोरेज के नीचे ब्राउज होगा, इस पर टैप करके, और जहाँ जो भी आप फाइल मैनेजर यूज करते हो, जहाँ भी आपने फ्री वाली जो फाइल मैंने आपको दी है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से उसमें से नोवा बैकअप फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से हम फ्री वाले फाइल से यहाँ पे गेम टाइम बाय सीट का नोवा बैकअप जो है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टैप करता हूँ फाइल वे पे। और जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है, फिर आएगा ओवरराइट करंट लेआउट, आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो हर बार की तरफ फिर नोवा लॉन्चर हटेगा, तो आपको फिर नोवा लॉन्चर पे यहाँ पे टैप करना है। और जैसे यहाँ पे आप टैप करोगे तो आपका जो होम स्क्रीन है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जा रहा है, वॉलपेपर है, बाकी जो विजिट है, जैसे कि मैंने कहा कि विजिट का मैंने बैकअप नहीं दिया है, तो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे विजिट को क्रिएट करना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आप ध्यान से अब वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एकदम बॉटम वाले विजिट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक टू सेटअप या लॉन्ग प्रेस टू रिसाइज, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते हैं यहाँ पे आपका KWGT प्रो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले आएगा फुचूसिया फॉर KWGT, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे मैं टैप कर देता हूँ। तो जैसे ये KWGT वाला जो एप्लीकेशन है यानी फुचूसिया फॉर KWGT ओपन होगा, तो इसमें आपको बहुत सारे KWGT के विजिट देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे, यानी आप देख सकते हो जो छठवां नंबर है यहाँ पे जो विजिट है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद से कुछ इस तरीके का ये छोटा सा विजिट यहाँ पे ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे स्टैक ग्रुप पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्टैक ग्रुप है इस पर आपको चेक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे सेफ, यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला सेफ रेक्टेंगल वाला, इस पर टैप कर देना है। दोनों को चेक करने के बाद से यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टैक ग्रुप है जो लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट आइकन, इस पर आपको चेक करके इसको भी डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आपने तीन यहाँ पे चीज इस विजिट से डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, बस आपको बैक आना है, बैक यहाँ तक आना है जहाँ पे स्टैक ग्रुप लिखा हुआ है, उसके बाद लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद से जो भी आपकी स्क्रीन की साइज है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं इतने पे, और बड़ा करने के बाद से यहाँ पे
और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे हम पोजीशन पे आ जाएंगे। पोजीशन पे हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पोजीशन पे 33 रखना है, जो वाई ओ ऑफ सेट है, और उसके बाद से जो यहाँ पे ओवरऑल लेयर की जो साइज़ है उसको यहाँ पे आपको रखना है 173.6। बस आपको इतना ही करते ही यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो सेव करते यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका पहला विजिट था वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से देख के कर लेना। यहाँ पे पहला विजिट ऐड हो गया। अब आपको आना है दूसरे विजिट पे, यानी जो इसके ऊपर वाला लिखा हुआ है क्लिक टू सेटअप या लॉन्ग प्रेस टू रिसाइज, तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद से वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, फुचूसिया फॉर KWGT पे यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे ये सारे विजिट यहाँ पे ओपन होंगे तो यहाँ पे आपको एकदम नीचे आ जाना है, नीचे उतना नहीं आना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको विजिट मिलेगा 00A6 करके, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद से कुछ इस तरीके का ये वेदर वाला विजिट होगा। लेयर पे आ जाना है, लेयर पे आने के बाद इसकी साइज कुछ आपको थोड़ा छोटा कर देना है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना रहे, आपको एकदम 50 पे ही कर देना है। और यहाँ पे 50 या 55 भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे 55 ही कर देता हूँ, 55.5। और उसके बाद से इसको यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप सेव करोगे तो आपका जो सेकंड वाला विजिट था वो यहाँ पे ऐड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद से अब आप बारी आती है थर्ड विजिट की, जो आइकन्स पैक के ऊपर यहाँ पे है क्लिक टू सेटअप या लॉन्ग प्रेस टू रिसाइज, तब हम यहाँ पे इस पे टैप करेंगे। और टैप करने के बाद वही सेम प्रोसेस फुचूसिया 4KWGT को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो जैसे सारे विजिट ओपन हो जाए तो आपको एकदम नीचे आ जाना है। नीचे आने पे यहाँ पे आपको एक विजिट मिलेगा Z15 करके, तो इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ये भी काफ़ी छोटा सा होगा, तो आपको इसके लेयर की साइज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पहले 68 नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 60, यहाँ पे 70 कर देते हैं, 70 पे ही रखते हैं। और क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या 75 आप कर सकते हो, मतलब 75 भी सही है। और बाकी यहाँ पे आपको आइटम पे टैप करके स्टैक ग्रुप पे टैप करना है, फिर पोजीशन पे टैप करना है। और यहाँ पे जो ऑफसेट है इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे लाना है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे आपको लाना है। तो इसको मैं अभी इसकी साइज़ बताता हूँ कितना आपको करना है। तो आप यहाँ पे इसको 20 पे ही रहने देना, ज़्यादा नीचे मत लाना। उसके बाद से यहाँ पे इसको आपको सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो सेव करने के बाद से जो आपका ये विजिट था वो यहाँ पे टोटली पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पे जो ऊपर वाला विजिट है क्लिक टू सेटअप या लॉन्ग प्रेस टू रिसाइज, तो इसका मैंने बैकअप आपको दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप KWGT वाले फाइल को ओपन कर लेना, तो मैंने आपको एप्लीकेशन इसलिए ओपन करवाया था क्योंकि आप जैसे उसको ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे कुछ परमिशन देने के बाद से उसका डायरेक्टरी में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा कस्टम नाम से। तो आपको फ्री फाइल में से यहाँ पे gametimebyseed.kwgt लिखा होगा, इसको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद से आपको बैक आके कस्टम वाले फोल्डर को यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे है। तो आपको वहाँ पे कस्टम वाले फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके अंदर एक विजिट का फोल्डर होगा, इस पर आपको टैप करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जो मैंने विजिट दिया था गेम टाइम वाला वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे आओगे, तो यहाँ पे होम स्क्रीन के आने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस पर मैं टैप करूँगा क्लिक टू सेटअप, यहाँ पे आपको एक्सपोर्टेड में आ जाना है, ना कि इंस्टॉल्ड में। अब एक्सपोर्टेड में आपको मिल जाएगा गेम टाइम वाला यहाँ पे एक विजिट, इसको आपको जैसे ही है वैसे ही आपको यहाँ पे सेव कर देना है। कोई लेयर में आपको यहाँ पे अपने इसकी साइज को चेंज नहीं करना है। बाकी आप जैसे आप सेव करोगे तो आपका जो यहाँ पे विजिट है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब चूंकि मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो सारे विजिट हैं अभी यहाँ पे अनलॉक हैं, तो इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद से टच पे टैप करना है, यहाँ पे कस्टम एक्शन पे टैप करके नॉन पे टैप कर देना है। और थोड़ा मैं इसकी साइज़ को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको पोजीशन इसके ऑफसेट को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि काफ़ी थोड़ा सही लगे, इतने भी सही रहेगा। अब आपको सेव कर देना है। तब जैसे यहाँ पे आप सेव कर दोगे तो कुछ इस तरीके का विजिट देखने को मिलेगा। अब इस पर कोई टैप भी करेगा तो ये विजिट नहीं ओपन होगा। तो ऐसे ही आपको सारे विजिट में करना है, आपको टैप करके और टच पे आके कस्टम एक्शन पे टैप करके यहाँ पे आपको नॉन पे सेलेक्ट करके सेव कर देना है, ताकि ये लॉक हो जाए, गलती से अगर कोई टच भी करे तो इस विजिट पे कोई एक्शन देखने को ना मिले। इस तरह आपको सारे जो विजिट मैंने यहाँ पे ऐड करवाए हैं आपको लॉक कर देने हैं। और बाकी यहाँ पे आप स्वाइप अप करके अपने सारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च भी करोगे तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो कुछ काफी इससे मिलता जुलता है, तो वो भी काफी सही से आपको यहाँ पे लुक देगा। देखिए यार, वीडियो के एंडिंग का टाइम आ गया, तो मैं फ्री वाली जीप फाइल का पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड है इट्स गेम टाइम। आप इस पासवर्ड का यूज करके उस जीप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो नोवा लॉन्चर के सेटअप को सेट करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग टेक और कस्टमाइजेशन की वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सी यू सून।